टीवी देखने गई घर गई 11 वर्षीय किशोरी के साथ तमंचे की नोक पर बीजेपी पदाधिकारी ने बलात्कार कर अचेत अवस्था में छोड़कर फरार। भले ही उत्तर प्रदेश के योगी सरकार महिला और किशोरियों की सुरक्षा के लाख दावे करती हुई नजर आ रही हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में महिलाओं और किशोरियों के प्रति अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिसके चलते छेड़छाड़ और गैंगरेप एवं बलात्कार जैसी घटनाएं आए दिन घटती हुई देखने को मिल जाती है, जिससे उत्तर प्रदेश सरकार पर कई सवाल खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही एक जीता जागता मामला जनपद मैनपुरी थाना किशनी क्षेत्र में देखने को मिला है, जहां एक बीजेपी पार्टी के पदाधिकारी ने बच्चों के साथ खेलते समय घर में टीवी देखने आई 11 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ तमंचे की नोक पर दुष्कर्म कर डाला। इतना ही नहीं, किशोरी के अचेत अवस्था हो जाने के बाद आरोपी उसे छोड़कर फरार हो गया। होश आने पर जब किशोरी लहूलुहान अवस्था में अपने घर पहुंची और अपनी मां को घटना की जानकारी दी तो परिजनों के पैरों तले जमीन निकल गई। आनंद फानंद में परिजनों ने पुलिस की शरण ली, क्योंकि आरोपी बीजेपी से किशनी विधानसभा मंडल मंत्री है। पूरा मामला किशनी थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इस गांव की रहने वाली 11 वर्षीय किशोरी बच्चों के साथ खेलते खेलते पड़ोस में ही बीजेपी किशनी विधानसभा मंत्रिमंडल गोविंद के घर टीवी देखने चली गई थी, जहां 30 वर्षीय गोविंद चौहान ने सभी बच्चों को भगा दिया और अकेली रह गई 11 वर्षीय किशोरी को मुंह बंद कर तमंचे की नोक पर उसे एक कमरे में खींच कर ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दे डाला। पीड़ा से व्याकुल किशोरी अचेत अवस्था में हो गई, जिसको आरोपी गोविंद अचेत अवस्था में छोड़कर फरार हो गया। और होश आने पर किशोरी घर पहुंची, जहां उसने अपनी मां को पूरी घटना बताई। घटना सुनते ही परिजन आनंद फानंद में ही किशोरी को लेकर थाना किशनी पहुंचे, जहां उन्होंने घटना के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़ित किशोरी को मेडिकल के लिए जिला चिकित्सालय में भेजा, वहीं आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी शादीशुदा होते हुए भी बीजेपी पार्टी का कुशल कार्यकर्ता है। आप इन तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि आरोपी गोविंद आबकारी मंत्री रामेश्वर अग्निहोत्री और बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रदीप चौहान के साथ मौजूद है। इतना ही नहीं, आप इस बैनर को भी देखिए, जो साफ बता रहा है कि यह बीजेपी का कट्टर नेता है। दुष्कर्म का मामला आया है, क्या है मामला? थाना किशनी क्षेत्र के गांव से सूचना आई कि एक नाबालिग बच्ची लगभग 12-13 साल की, उसके साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। इस सूचना पर त्वरित उस बच्ची को मेडिकल के लिए भेज दिया गया तथा पीड़ित के परिजन के तहरीर के अनुसार मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें टीमें भी रवाना हो गई, जल्द ही आरोपी को पकड़ा जाएगा। आप थाने बेटी को लेकर आए हैं, क्या मामला था? उसका रेप हुआ, बलात्कार। किसने किया, कौन था आरोपी? गोविंद निरंजन का लड़का। क्या मामला हुआ था? वो खेल रही थी लड़की, टीवी देखने गई, वहीं किया और मुंह चिल्लाई तो मुंह दबाया, कट्टा दिखाया और धमकी दी कि अगर घर बताया तो मार देंगे। आप पुलिस में आए, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस कर रही है, पता नहीं क्या अंदर कर रही है, रिपोर्ट तो लिख ले गई। बेटा क्या घटना हुई आपके साथ? टीवी देखने जा रहे थे, फिर गोविंद ने खेल चला हुआ था और कहीं गलत काम करवा तो कह रहे थे कट्टा तो उड़ाए दिए और उसका घर बता कर मम्मी पापा को मार दिए और अम्मा को मार दिए, बाबा को मार दिए, सब मार दिए। टीवी देखने जा रहे थे, उनके मम्मी पापा टीवी देख रहे थे और सुनाओ टीवी देख रहे थे, अम्मा उनके सामने कर रही थी। आप थाने आई हैं, आपका मुकदमा दर्ज हुआ अभी? अभी कभी नहीं।